हम लोगों के लिए मतलब चंचल जो लोग होते हैं ना, चंचल चंचलता मेरे में तो है फिल्म में, इनमें ये बॉडी बॉडी चंचल है ये फिल्म के अंदर। फिल्म एक रोम कॉम है और थोड़ी बहुत हल्का फुल्का बताऊंगा तो ये कि बाप चाहता है कि जैसे राजा बाबू में था ना, कादर खान जी चाहते थे कि इनकी शादी हो जाए, ऐसे ही गांव में मेरा बाप चाहता है ये बंदे की शादी हो जाए, लड़का शादी नहीं कर रहा तो इसके लिए कैसी लड़की ढूंढने, लड़का तो बहुत शाना है, स्मार्ट है बहुत, तो ये लड़की उनको दिखती है जो एक्शन कर रही है, अलग अलग चीज़ें करती है, तो बोलते हैं यार इस लड़की को इसके साथ बिड़ा दे, फिर उसके बाद फिल्म में क्या होता है वो देख रही है। मराठी फिल्म आर डूइंग वेरी वेल, प्रोड्यूसर्स आर वेरी चार्ज कि हमें मराठी फिल्म करनी चाहिए क्योंकि मराठी फिल्म कैन डू वेल। अगर आप एक अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म देते हो तो क्यों नहीं चलेगी, आप हिंदी में भी देते हो तो क्यों नहीं, मराठी हिंदी वो सब अभी सब एक हो चुका है, क्योंकि जब मराठी फिल्म 100 करोड़ कमा सकती है और एक हिंदी फिल्म जो बड़ी फिल्म है वो 40 में अटक के बैठ जाती है, तो अब रीजनल और उस सिनेमा में कोई फ़र्क नहीं रहा है। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर्स इन इंडिया इज रजनीकांत, रजनी सर, सॉरी रजनीकांत बोलना नहीं चाहिए, रजनी सर, रजनी सर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एक्टर्स, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, तो वो भी तमिल और हम तमिल फिल्मों में उनको देखते हैं, तो रीजनल बहुत आगे हो चुका है, बंगाल जाइए बंगाली फिल्में डूइंग वेल। अच्छा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आप एक एंटरटेनिंग फिल्म बनाओ, अच्छा सब्जेक्ट बनाओ, दायरे में रहकर तो क्यों नहीं देखेंगे लोग, ज़रूर देखेंगे। तो हमने सोचा यार चलो एक अच्छी रोम कॉम की जाए। जब प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए थे, डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं मुरली लालवानी जी, तो उन्होंने कहा इस तरीके की फ़िल्म करनी है, मैंने सब्जेक्ट सुना, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, वी शुड डू, क्यों नहीं करनी चाहिए, मेरी पहली मराठी फिल्म होगी, इनकी भी पहली होगी, तो हम दोनों डेब्यू कर रहे हैं मराठी फिल्म में, तो मज़ा आएगा इस बार भी।